तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर टेक्नोलॉजी में अपडेट होते जा रहे हैं, पोर्टल में अपडेट होते जा रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे अपडेट करना चालू कर दिया है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहले के एक पोर्टल था india.gov.in पे, ये पोर्टल लॉन्च हुआ था। उसके साथ साथ दोस्तों एक पोर्टल अभी और लॉन्च कर दिया, वहाँ भी आपको हज़ारों सर्विसेज आपको मिलने वाली हैं। और पोर्टल बिल्कुल दोस्तों फ्री में है, आईडी पासवर्ड आपका तुरंत बन जाएगा उसमें। और सर्विसेज कौन कौन सी, मैं आपको सारा कुछ इस पर डिस्क्राइब करने वाला हूँ, कौन सा है पोर्टल, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यू जरूर बने रहिएगा, अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों आपको बताते हैं यहाँ पे पोर्टल का नाम क्या है, सर्विस प्लस। आप बट इसका जो वेबसाइट दोस्तों है, यहाँ पे serviceonline.gov.in पे आप आएंगे तो आपको सर्विस प्लस का लोगो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे, ठीक है, इस तरह से आपका मेन वेबसाइट ओपन होगा जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए स्टेट, यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन पूछ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों आपसे देखिए रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज के बारे में दिया गया, 2548 यहाँ पे सर्विसेज लॉन्च की गई हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐप के बारे में, बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे लॉन्च की गई हर चीज़ से, तो आप एक ही पोर्टल पर सारा काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, लॉगिन के ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपको आईडी एंड पासवर्ड आपको डाल के लॉगिन करना पड़ता है। तो अभी आपके पास में आईडी पासवर्ड होगा नहीं, तो चलिए आपको बताते हैं आईडी पासवर्ड कैसे बनाते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देख पाएंगे साइड में एक ऑप्शन आपको मिलता है रजिस्टर का, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे फुल नेम, ठीक है, आपका यहाँ पे फुल नेम पूछ रहा है, जो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड में हो वो अपना यहाँ पे नाम डालिए। और यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे ईमेल आईडी, तो दोस्तों आपका अपना जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा जो आपके पास में चलता होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ उस पर ओटीपी भी जाएगा, तो ध्यान से मेल आईडी को यहाँ पे टाइप करिएगा। देन बात करें दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर भी वही टाइप करिए जिसमें आपका ओटीपी आ सके, यानी उस पर रिचार्ज हो तभी आपका ओटीपी आ पाएगा। तो इन दोनों चीज़ को ध्यान से यहाँ पर टाइप करना है। देन इसका थोड़ा सा नीचे दोस्तों आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इंटर योर पासवर्ड, तो आपको अपने मन मुताबिक यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना है। और पासवर्ड बनाने का तरीका दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब नीचे ले गया है 8 कैरेक्टर 11, ठीक है, F1 स्पेशल, अपर केस, लोअर केस और नुमेरिक केस, सारा कुछ मिला के आपको यहाँ पे अपना बनाना होगा, ठीक है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से आपसे पूछ रहा स्टेट, तो आपको अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है, जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन दोस्तों यहाँ पे आपसे कैप्चा कोड पूछा जा रहा है, तो आपको अपना यहाँ पे कैप्चा कोड टाइप कर देना होगा। और टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब मैं दोस्तों बता दूँ यहाँ पे मैं आपको सबमिट करने के पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, उसको आप डाल के वेरीफाई आगे कर लीजिएगा। वेरीफाई जैसे आप कर लेंगे तो जो आपने यहाँ पे आपने डाला हुआ मेल आईडी और पासवर्ड से आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ से हम चलिए इसको वहाँ पर क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम बताते हैं हमने हमको डायरेक्ट लॉगिन कर लिया है, ठीक है, तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन जाके लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेलकम टू सर्विस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे देखिए बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई हैं। और यहाँ दोस्तों हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मैनेज प्रोफाइल का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस का ऑप्शन मिल रहा है, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल रहा है आपको, ठीक है, मैसेज अलर्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ पे रिपोर्ट शो का ऑप्शन मिल रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस का ऑप्शन में क्या क्या यहाँ पे शो आउट कर रहा है। तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू ऑल सर्विस अवेलेबल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे पास में नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम आ गया, री लॉगिन के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से री लॉगिन कर लेता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आता है तो। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा से री लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम से मेरा आईडी लॉगिन पड़ा हुआ था, तो इसलिए वो दोबारा से लॉग आउट हो गया, ठीक है, तो मुझे अब यहाँ पे दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम चलिए यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड अपने यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। और टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चा कोड आपको मिल रहा है, आपको यहाँ पे अपना कैप्चा कोड टाइप कर देना है। और ये टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए अभी आपको लॉगिन का ऑप्शन भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, अभी आप यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस पे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने में दोस्तों अब आपके पास ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, तो जो जो सर्विसें अभी इसमें ऐड हुई हैं वही सर्विसें आपको यहाँ पे भी शो आउट होंगी। तो ये आपके स्टेट वाइज के हिसाब से सर्विसें ऐड हो रही हैं यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ पे लगा रखा है तो ओ लेवल अप्लाई का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे ओ लेवल इंस्टीट्यूट का अप्लाई का ऑप्शन दे रखा है, दो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे अपना आप स्टेट सेलेक्ट करके और सर्विसें आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गुजरात के बारे में, तो गुजरात के बारे में यहाँ पे 5-6 सर्विसें दोस्तों यहाँ पे आ चुकी हैं। और किसी स्टेट में सेलेक्ट करते हैं दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली में 3 सर्विसें अभी यहाँ पे ऐड हुई हैं, ठीक है। लद्दाख के बारे में सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 5 सर्विसें आई हुई हैं। तो नागालैंड के बारे में देखते हैं, यहाँ ये दिया गया। उड़ीसा में देखते हैं, उड़ीसा में दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सर्विसें दी गई हैं, 10 सर्विसें यहाँ पे उड़ीसा में मिल जाती हैं।
तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी सर्विसें ऐड हुई हैं स्टेट वाइज, तो आप किस स्टेट से हैं वो आप हमें कमेंट जरूर बताइएगा, और आपको ये पोर्टल कैसा लगा वो मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आएगा। और इसमें कोई वीडियो में कोई डाउट रह गया है, कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ में।